सो इतना फायदा हम हमारा आहार से पाना है और हम ढूंढ रहे हैं डॉक्टर्स के पास। ये डॉक्टर्स का सही पता आपको चलना है, कहाँ से मिलता है डॉक्टर्स? डॉक्टर्स आर ऑल मेड इन दिस फैशन, सो दे आर नॉट ट्रेंड फॉर हेल्थ। They are trained to manage the diseases, but doctor का पता तो हमको स्वास्थ्य के लिए जाना था। So what it means in the modern world, आधुनिक युग में doctor का निर्वचन ही बदल गया है। So सही doctor कहाँ ढूंढे हम? ढूंढने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमारा पेट में ये प्रकृति से जोड़कर ये सिंबायोटिक माइक्रोब्स को हमारा अंदर बिठाया है। सो उसको भी हम हटा दिया है। कैसे? ये स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का क्या काम है? टू किल द माइक्रोब्स। सो बच्चे बच्चे, स्मॉल किड्स गेट सम वायरल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स को लगाते हैं लोग। हुआ वायरल इन्फेक्शन, मालूम है हमको, लेकिन लगाते हैं एंटीबायोटिक्स। क्यों? ताकि बैक्टीरिया ना अटैक करे। पहले से हम उसको मार देंगे। इस वजह से हमारा बच्चों का पेट में माँ जब जन्म देता है, वो योनि से बाहर निकलता है, उसी समय उसको जरा माइक्रोब भी इंक्यूबेट करता है। वो भी नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा सिजेरियन डिपार्टमेंट ज्यादा होना है। हर बेबी नाउ 80 आउट ऑफ 100 आर सिजेरियन बर्थ्स। क्या हो रहा है? सो यू वॉन्ट टू, ये बहुत 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 प्रामुख्य और वेरी इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि हम हमारा माँ से वो सिंबायोटिक माइक्रोब्स को हमारा पेट में डाले। उससे बनता है हमारा पहला इम्यूनिटी, उसके बाद आपका दूध बनता है। आफ्टरवर्ड्स यूर एंटीबॉडीज कम, बिकॉज इवन फॉर दैट एंटीबॉडीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली हमारा अंदर, ये मैं बात कर रहा हूं एक दिन का बच्ची, एक दिन का बच्चा, उस सब अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन वालों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहां कितना प्रमाण में हमको चाहिए। ये एंटीबॉडीज कहां चाहिए? नाक के पास, गले के पास। वो कोलेस्ट्रम, वो एंटीबॉडीज को वहां भेजना है ना। अंदर हम पी लिया है दूध, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हम सिखाना है। वो सिखाने वाला ही है ये माइक्रोब्स। हमारा साथ जीवकोश के साथ इतना ट्रांसमीटर्स, इतना रेगुलेटर्स, मॉड्यूलेटर्स, ट्रिगर्स, सब कुछ में बनाने में ये माइक्रोब्स का रोल है। इसीलिए गट माइक्रोब्स का बहुत बहुत सारा हम रेस्पेक्ट देना है। सो हर रोज हम बेबी बनाने के बाद, बनाने के वक्त ही हम ये काम शुरू किया है। क्या? एंटी बैक्टीरिया, एंटी एंटी एंटी, ये है साइंस। तो हम मिलेट से कैसे ये भर सकता है? हम हमारा खोया हुआ डॉक्टर को अंदर बिठाना है, वही है हमारा पहला काम। वेरी सिंपल। सो डॉक्टर हम क्यों ढूंढे यहां वहां वहां वहां? सो हमको मालूम हुआ है कि हम हमारा ये जीवन शैली से, आधुनिक जीवन शैली से, ये बहुत क्रूयल, क्रूकेड
क्या क्या शब्द, हमारा शब्दकोश तो बहुत छोटा है, विस्तार नहीं है हिंदी में. इट्स गुड दैट आई डोंट हैव बिग वर्ड्स. ऐसा होता है ना, हम कुछ शब्द ऐसा नहीं करें. सो दिस इज वेयर आवर लाइफ बिगिंस. क्यों मैं ऐसा बात कर रहा हूं? वी हैव डन सच ए हॉरिबल थिंग, सो आवर बेबीज आर नॉट गेटिंग द राइट थिंग्स. एंड ये सब होता है कब? हम इस बेबी को वो ऑखर कलर सनरेस को दिखाए. दिस वॉज आवर रियाज, रिश्ता, सांप्रदाय. वेन बेबीज आर बॉर्न, फर्स्ट थिंग यू डू इज शो हिम टू द अर्ली मॉर्निंग सन. कभी कहीं कहां पे भी ये डॉक्टर बता रहे हैं आपको, एनी गायनेकोलॉजिस्ट टेलिंग यू टू डू दिस? बिकॉज टू कंट्रोल, टू रेगुलेट द हेल्थ ऑफ द माइक्रोब्स, यू नीड दैट पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज. द निर्नाल ग्रंथि सही काम करना है. कैसे काम करना है? जोड़ने का, इंटीग्रेट करने का, रेगुलेट करने का, सिम्बायोटिकली लिविंग विथ. सो पीपल आर थिंकिंग यू गेट विटामिन डी फ्रॉम सनरेज. वो तो ओनली वन स्मॉल थिंग. एंड एस्पेशली वेन द रॉड्स एंड कोन्स आर क्रिएटेड, जनरेटेड बाय गॉड. हमको भगवान ये आंख दिया है, वो रॉड्स एंड कोन्स रिफ्लेक्टेड लाइट को भी देख सकते हैं. लेकिन जब सूरज का वो काशाय रंग किरण आता है, हम डायरेक्टली देख सकते हैं. दैट इज द एक्सेप्शन. मैं बोला था आपको एक्सेप्शन, ऑक्सीजन सल्फर ब्रीथिंग बैक्टीरिया. ऐसा ही हमारा आंख में ये एक्सेप्शन है. आप सूरज को कब देख सकते हैं? डायरेक्टली व्हेन द ऑरेंज कलर सन इज देयर. दैट इज द कनेक्शन, मेटीरियल टू नॉन मेटीरियल कनेक्शन. वही होता है वो क्षण में, हमारा सब का सब निर्नाल ग्रंथि का फाइन ट्यूनिंग बन जाता है. हार्मोनल करेक्शंस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म्स आर ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट. सो वो क्यों चाहिए हमको? वो सही तरफ हमारा माइक्रोबियल का रिश्ता बनाने में बहुत जरूरी है ना? सो हम माइक्रोब्स को खमीर बना के पीने का तरीका डॉक्टर खादर डिस्कवर किया है, अच्छा है. लेकिन उसका कनेक्शन कौन करेगा? वो करेगा भगवान. हम भगवान के पास जाना है. भगवान का एजेंट है हमारा सूर्य भगवान. वो रेशा, वो रश्मि से, सूर्य किरण का रश्मि से जागृत होता है हमारे अंदर. ए रियल डॉक्टर को बिठाने में बहुत जरूरी है. यही था हमारा सांप्रदाय. व्हेन ए बेबी इज बॉर्न, व्हाट डू यू डू? ये तेल का तिल, तिल का तेल लगा के ये पहला पहला सूर्य किरण का नहाना बहुत जरूरी है. इज देयर एनीवन डूइंग दैट? डिड एनी गायनेकोलॉजिस्ट टेल यू टू डू दिस? एंड वी कॉल दिस साइंस, एडवांस्ड साइंस. क्यों हम नहीं कर रहे हैं? इतना सारा साइंस इसमें है, व्हाई आर वी नॉट डूइंग इट? एंड व्हाई इट इज नॉट रिटन इन एनी ऑफ द मेडिकल करिकुलम? माइक्रोब्स क्यों चाहिए? इतना माइक्रोब्स पे हम बात कर रहे हैं, क्यों क्यों माइक्रोब्स चाहिए? क्योंकि हमारा अंदर होने वाला हर जीव रासायनिक प्रक्रिया में ये माइक्रोब्स का जरूरत है, ये सूक्ष्म जीव का जरूरत है. वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या फंगस हो, कुछ भी हो, द माइक्रो वर्ल्ड इज नेसेसरी फॉर अस टू परफॉर्म एक्टिविटीज. ये बहुत जरूरी काम है हमारा. हर जीव रासायनिक प्रक्रिया समतोलन से हर वक्त हर क्षण में बिताना हमारा पहला पहला आद्य कर्तव्य है ना?
से इसीलिए हम ये माइक्रोबियल कंकॉक्शन को सही तरह से बिटाना बहुत जरूरी है। ये काम होता है, ये प्लेटफॉर्म बनाता है हमारा मिलेट्स पे ए सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है हमारा गट में, दैट इज फ्रॉम रेक्टम टू बिग माइक्रोब्स, दैट इज बिग इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स कहते हैं, ये सारा जगह को ये जाके इनहेबिट कर सकता है। बट जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, ये सब गायब होने का शुरू करता है। सो नोइंगली वी आर किलिंग दिस वंडरफुल मैकेनिज्म। क्यों? इसीलिए कि आपको प्रॉब्लम्स आता ही रहे। सो वही का कारण है हमारा प्रोटोकॉल्स में जब भी बताता हूं, फर्स्ट खमीर पियो। खमीर क्या है? मिलेट से हम बनाते हैं, हर एक दाना को हम भिगो के सारी समय, वो भिगोना है 8 घंटे, क्या तो 8 घंटे हम उसको देखने को नहीं बोला न पीपल से ओहो कुकिंग विथ मिलेट वेरी डिफिकल्ट, क्यों भिगोना है? सो डिड आई आस्क यू टू गो ऑन लुकिंग एट द थिंग? 2 मिनट का काम है, पानी डाल के 8 घंटे कहीं पे जाओ। सो उसका काम वो कर लेता है, 8 घंटे के बाद 15 मिनट पकाओ बस, एक टम्बलर को 10 गुना पानी लगाना है, चाहे तो 20 गुना भी लगा सकते हैं, और उसको पका दो 15 मिनट, और मिट्टी का बर्तन में कपड़ा बांध के रखो, गर्मी हुआ तो 6 घंटे, सर्दी हुआ तो 8 से 10 घंटे, बस इतना ही। सो खमीर बनाना बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है? 2 मिनट माँ नहीं चाहिए, बाप नहीं चाहिए, मिनट्स बन सकता है नूडल्स, है ना? वैसा ही हम एक एडवर्टाइजमेंट लगाना है, 2-year-old बेबी ऑल्सो कैन डू दिस। बहुत का क्या काम है, मेघना शुक्ला नहीं चाहिए इसके लिए, व्हाई डू वी नीड मेघना शुक्ला? इतना आसान है। इसमें व्हेन यू हैव डिफरेंट फाइबर, ये तरह तरह का रेशा है, ब्राउन टॉप में रेशा है, ये रेशा हमारा पाचन नाल को मुंह से गुदा द्वार तक सब कल्मशों को निकलने का ये रेशा भगवान ने बनाया हुआ है, 12.5% रेशा बना हुआ है। सो इस रेशा में स्पेशलिटी ये है कि हम हमारा मुंह से गुदा द्वार तक इतना भी पार्ट्स है, अंग है, वहाँ पैदा होने वाला कल्मशों को ये फाइबर आज से आज, क्षण के क्षण में, हफ्ते के हफ्ते में निकाल सकता है और बाहर ला सकता है, ऐसा मल रूप में, मूत्र रूप में और स्वेद रूप में, और निश्वास का एक कार्बन डाइऑक्साइड और अपान वायु बोलते हैं, नीचे से उतरता है, वो भी एक तरह वायु मालिन्य है हमारा। सो अंदर इस 4 तरह का क्लीनिंग होता है, ये क्लीनिंग सही होना है। सही कब होता है? ये सब काम वो माइक्रोब से जुड़कर ये काम करने का इलाज ए डॉक्टर। सी हु इज द डॉक्टर, रियल डॉक्टर नाउ, टू कीप द डॉक्टर हेल्थी, टू कीप द डॉक्टर राइट, हमारा सूर्य भगवान का ये प्रणाम करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूं हर जगह में, बिना सूर्य नमस्कार देर इज नो हेल्थ। सब चीज ठीक ठाक है। सो मेनी पीपल से सर आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ड्रिंकिंग, आई हैव बीन दिस, बट दिस फेलो हैज फॉरगॉटन सूर्य नमस्कार। सो स्वास्थ्य बनता है एक चीज से नहीं, ये जुड़ा हुआ हर चीज से बनता है। सो मेनी पीपल हैव कम एंड आस्क मी सर आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, बट फिर भी हम सही नहीं हो रहा है, बिकॉज यू हैव केप्ट ए डॉक्टर हु इज नॉट
कंप्लीटली फंक्शनल। मालूम हो रहा है क्या मैं बात कर रहा हूं? बहुत सारे लोग मेरे पास हैं, हम खमीर भी पी रहे हैं लेकिन दे आर नॉट करेक्टिंग द डॉक्टर एवरी डे, दिस करेक्शन हैज टू हैपन। ये तो सोचिए आपको, हम एक बार खमीर पी लिया, डॉक्टर को बिठा दिया, तो ये डॉक्टर सुबह से शाम तक काम किया, थक गया है, उसको नवचैतन्य देने के लिए ही ये काम करना है। उसके साथ साथ हमको विटामिन डी मिलता है, विटामिन बी12 मिलता है, विटामिन समथिंग दैट यू कैनॉट मेक इज ऑल्सो गोइंग टू बी मेड बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। सो यही है हमारा नॉन मेटीरियल कनेक्शन। ये आहार सब कुछ मेटीरियल कनेक्शन है, इससे बिना हमको सूर्य भगवान का काम नहीं है। सो सूर्य भगवान आ रहा है, हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, नहीं, ये माइक्रोब्स को नहीं बिठाने से क्या होता है? कोई काम नहीं बनता है। सो डॉक्टर भी बहुत जरूरी है, और डॉक्टर को सही बिठाने के लिए ही एक तरीका है, हर आदमी दो दो दिन चुन चुन के, हर दो दिन में 5 दाना का, ये अंबली कहते हैं, हमारा दक्षिण भारत देश का शब्द है, हिंदी में खमीर बोलते हैं, फर्मेंटेड पोरिज हुआ ना बात। सो व्हाई शुड वी गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू माइक्रोब्स? बिकॉज ऑफ हमारा ये आधुनिक शैली में हम चुन चुन के हमारा डॉक्टर को मार रहे हैं, हर रोज मार रहे हैं, and we are going and searching for these experts in multi-speciality hospitals. इतना जरूरी है हम millets ऐसी इसी तरीके से खाए, पहला पहला। So कोई भी हो, आपको millets को खाने का तरीका यही पहला कदम है, पहला रूट है, and ये आपको हर रोज एक बार पीने से ये सब ठीक ठाक बैठ जाता है। सो आपको बहुत सारा उद्बलन, वेरी अक्यूट कंडीशंस है, आपको सही तरीका मिलेट्स शुरू करने का यही है, और एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। सो यू आर ऑल राइट ऑल्सो, यू आर वेरी गुड, यू हैव नो प्रॉब्लम, यू आर नॉट टेकिंग एनी टैबलेट, फिर भी आपको मिलेट्स पे आना है, तो पहले पहले ये शुरू करें आप। सो मिनिमम इफ यू हैव नो सिकनेस, मिनिमम 1 वीक आप सब छोड़ के अंबली पे आ जाना, 3 बार 5 बार 6 बार अंबली पी लीजिए दिन में, जब भूख लगा तब ये पीना। उसके साथ साथ आप अचार भी खा सकते हैं, और डॉक्टर खादर बोला अचार खा सकते हैं, अचार तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि विटामिन सी अचार से बनता है हमारा भारत देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बहुत जरूरी काम है। लोगों ने मॉडर्न डॉक्टर्स अचार नहीं खाना है, इट इज सॉल्टी, डोंट ईट सॉल्ट, इज वेरी बैड फॉर यू। विदाउट सी देर आर ओनली 2 नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, 1 salt 1 sugar, मैं शुगर के लिए बोला हूं, अनदर सॉल्ट, बिकॉज नो माइक्रोब्स कैन ग्रो इफ यू हैव हायर अमाउंट ऑफ सॉल्ट, अनलेस you go to the ocean and special microbes have to be present there. So nadi ka pani ka microbes kuch bhi nahi bach sakta hai if you increase the salt concentration beyond 3%. So achar is a very good, so you have completely without microbes, but then after some period namak mein kaam karne wala microbes हम उगा सकते हैं, वो तो स्पेशल होता है, वो भी हमारे लिए जरूरत है, बिकॉज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स वी नीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस दौर में हमको जरा सा अचार खाने का आदत डालना है, वो था हमारा जीवन शैली का एक बहुत सही गुण। यू गो टू एनी प्लेस इन इंडिया विदाउट अचार खाना नहीं है। मेरी ग्रैंड माँ, मेरी दादी, अचार नहीं देखा खाना तो ही छोड़ देता है। यू डोंट हैव पिकल्स, नो मील, इट्स सो इंपॉर्टेंट विटामिन सी।
You may say, I will get it from pomegranate, I will get it from banaras, anaras, ये सब. But कहाँ मिलता है आम आदमी को? So vitamin C is very important and it is the most important thing. You have a small amount of pickle. वो आम का हो, lemon का हो और gooseberry, क्या बोलते हैं हिंदी में, आमला, आमला की, या ये सब sour things, खट्टी, that sour stuff, oxalic acid, tartaric acid, protocotochoic acid, ये बहुत important intermediate है. वो हमारा अम्बला, अम्बला ना, वो क्या होता है, अम्बला, अम्बला, लीफ, गोंगूरा बोलते हैं. सो ये बहुत सारे चीज ऐसा डाइवर्सिफाइड सिस्टम्स में, अम्बाड़ी, अम्बाड़ी, दैट सौर स्पिनैच कहते हैं. ओके, हमारा आंध्रा तो बहुत फेमस है गोंगूरा पचड़ी, गोंगूरा, महाराष्ट्र में अम्बाड़ी बोलते हैं. वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स, नॉट फॉर देयर मेटीरियल. वो क्या करता है हमको, दिस माइक्रोब्स को सही बिठाने का जरूरत है. क्यों माइक्रोब्स जरूरत है? हमारा पहला काम स्वास्थ्य का हर इंतजाम करने का, लिविंग थिंग इन आवर टर्म. सो वी हैव लॉस्ट दैट कनेक्शन. इन मिलेट्स से हम वापस एक काम कर सकते हैं. सो यू डोंट नीड टू वरी वेदर इट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस और मस्कुलर डिस्ट्रोफी. मस्कुलर डिस्ट्रोफी लिए क्या क्या चाहिए हमें मालूम नहीं है, डॉक्टर खादर को मालूम नहीं है. डॉक्टर खादर को ये मालूम है कि वो सही डॉक्टर को अंदर बिठाने का तरीका मालूम. सो माई वाई शुड आई वरी अबाउट वॉट ही द डॉक्टर डज, ही विल गो एंड डू हिज जॉब, बिकॉज हर वक्त वो काम पे लगा हुआ है. उसको फिर और एक बार चैतन्य करने के लिए सूर्य भगवान है हमारे पास. सो साल में आप 100 to 200 सूर्य दर्शन करने से आपको साल भर स्वास्थ्य मिल जाता है. वही इन मटेरियल डोमेन में एक बार आप सूर्य नमस्कार लगाने से आपको इतना विटामिन डी मिलता है एंड जाके आपका जिगर में बैठता है कि आपको 4 दिन उसका जरूरत नहीं है. सो यू गो एंड डू सूर्य नमस्कार वन डे, यू मेक एनफ विटामिन डी फॉर 4 डेज. वो भगवान ने कैलकुलेट किया है, बिकॉज आउट ऑफ 365 डेज यू कैन ओनली गेट 100 or 200 वेरी गुड सनराइज डेज इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो इतना कैलकुलेशन किया है भगवान एंड वी हैव टोटली रिमूव इट फ्रॉम अवर लाइफ. यही है, ये इसका एक का एक जोड़ना है. सुनने का एक है, सुनने के बाद समझने का. इसलिए हम धीरे धीरे बोल रहे हैं और एक ही बात 2-3 तरीका से, 2-3 रूट से बता रहे हैं, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स. पहला कदम है, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप्स. आपका फाउंडेशन सही रहे देन यू कैन बिल्ड एनी वे यू लाइक. सो ये 2-3 बात आप सही तरह से समझ लिया, सब कुछ बन जाता है. सो इसीलिए हम क्या खाना है क्या नहीं खाना है, डूस एंड डोंट्स हमको समझना है. वॉट एवर यू ईट, सी दीज थिंग्स आर हैप्पीली मैनेज्ड इन अवर बॉडी. हम कुछ भी करें, ये पहला कदम हमको सही रखना है. हमारा माइक्रोब्स का स्वास्थ्य हम हर वक्त ख्याल में रखना है, उसको नहीं हिलाना है. इसी दौर में हमको ये खमीर का प्रमुख बात आना बहुत जरूरी है. वो हम हर जगह पे बात करते हैं, बिकॉज इफ यू डू दैट राइट सबका प्रॉब्लम खत्म हो जाता है. क्यों ये अम्बली पीना है, ये क्यों खमीर खाना है, वो तो टेस्ट नहीं है. टेस्ट किसी से भी नहीं बनता है, राइस से बनता है नहीं है, पराठा से बनता नहीं है, कुछ भी नहीं बनता है. टेस्ट तो बनता है सब्जी से, स्पाइसेस से. इसलिए हमको
धनिया चाहिए, जीरा चाहिए, अदरक चाहिए, लहसुन, ऑल दिस कम एट ए डिफरेंट लेयर्स। बट आप ऐसा भी ऐसा खमीर पीने से भी काम हो जाता है। बट आई एम नॉट आस्किंग यू टू ईट ओनली खमीर, खमीर से साथ आप सब कुछ खा सकते हैं। इनफैक्ट द बेस्ट टेस्टी खमीर और अचार, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, एनी वन ऑन दिस प्लैनेट कैन मेक अरेंजमेंट्स। एंड एक किलो का ये मिलेट 100 रुपया लगाने से आपको 40 लोग खमीर पी सकते हैं। कितना हुआ हर आदमी के लिए? 2 रुपीज 50 पैसा। इतना से, इतना कमी दाम में आपको एक डॉक्टर मिलता है कहां पे? पीपल से मिलेट्स आर वेरी कॉस्टली, कहां कास्ट हुआ है? आप लाके हमारा मैसूर में MD MS डिग्री मिलने को आपको 8 करोड़ रुपए खर्च करना है। टू गेट एन MD MS डिग्री ए फेलो हैज टू स्पेंड 8 crores। आई 8 करोड़ खर्च करने के बाद आप डॉक्टर के पास जाके हमें फ्री इलाज दीजिए, क्या वो पागल है? बट सही डॉक्टर आपको 2 रुपए में मिल रहा है। वो मिलेट्स से हमको बहुत सीधा साधा विधान में मिल सकता है। सो हम मिलेट उगाने से बहुत प्रॉब्लम्स है क्या? नहीं है। 4 बारिश से हम ये मिलेट्स को उगा सकते हैं। Just 20 centimeters of rainfall, any place on this planet, we can grow these grains. ये millets इतना सुंदर दाना है कि कहां पे भी, रोड पे भी, on the roadside, kilometers after kilometers, लगा दीजिए, वो उगा जाता है। These are called C4 foods. ये C4 foods का बहुत मुख्य गुण है कि सब सॉइल को बांध के रखे। सो यू वॉन्ट टू सेव सॉइल, ग्रो द मिलेट्स, बिकॉज द सॉइल सरफेस वी आर लूजिंग बाय फ्लड्स, वी आर लूजिंग बाय विंड, वी आर लूजिंग बाय सन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, गेहूं उगाने से, राइस उगाने से, गन्नी उगाने से हम खो रहा है, वो तो सही है। लेकिन ऐसा ही ऐसा नेचर में भी हम सब सॉइल, टॉप सॉइल को खोते हैं। ये 3 नेचुरल प्रोसेसेस वी लूज। इवन टू सेव फ्रॉम दैट नेचुरल प्रोसेस, हम ये C4 ग्रास, ये कहते हैं C4 घास को हम उगाने से टॉप सॉइल को बचा सकते हैं। कैसे? लाखों लाखों एकड़ में हम डाल सकते हैं ये दाना। एक बार डाला तो बस, इट विल कीप रिपीटिंग इटसेल्फ। ये नेचर में होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? लॉन्स को लगा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रास को हर्बिसाइड रिडन, वो मैट पे डाल के हम हमारा घर के आसपास लगा रहे हैं। सो व्हाट मींस व्हेन यू स्टेप ऑन दैट लॉन, यू आर स्टेपिंग ऑन हर्बिसाइड। इतना से बुरा काम आपके लिए आप कर सकते हैं। ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन से वजह से हो रहा है। हम एक भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं, एक भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं। इस सब का एक ही जवाब है, हम नेचर के साथ जुड़े। जैसा वैसा ही हम खमीर खाने से हमारा पेट का एक कनेक्शन बन जाए नेचर से, रियल नेचुरल कनेक्शन, वो मिलेट्स आपको दे सकते।